सर ये बड़ी मजे की सेशन हमारी ऑनलाइन हो रही है, इट्स अ वेरी यू नो हाँ हाँ मतलब बंदा बता सकते हैं किस तरह से आप क्लाइंट के साथ बैठ के आप किस तरह। अच्छा सर ये जो बड़ा खूबसूरत व्यू आ गया, अब इधर से हम ये जो ये रास्ता नजर आ रहा है ना ऊपर से सर थोड़ा ज़ूम आउट करें, एक रास्ता इस रास्ते के बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। तो अब ये सारा हम इसको कवर करेंगे राइट, और ये स्लोप हमें नजर आ रहा है कि ऊपर वो अप हिल है ना। ओके ठीक है हाँ। अच्छा और सर हम ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे दरख्त वरख्त भी हैं। जी जी तो हम इसमें सेलेक्टिव होंगे, कुछ हटा सकते वाले हटाएंगे वरना नहीं हटाएंगे, हम नेचर को अपनी जगह इंटैक्ट रखते हुए पीछे चले। नहीं इंशाल्लाह कोशिश क्या हमने बस अपनी बिल्डिंग की शक्ल चेंज कर लेंगे लेकिन दरख्तों को आग नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह सर, दरख्तों को आग नहीं लगाएंगे। अच्छा सर ये है 1/3 ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक, अदर 2/3 जो है वो अब हमने करना है रास्ते से उस तरफ ठीक। अच्छा जूम इन करें सर वैसा राइट। अच्छा ये रास्ता नजर आ रहा है, इसके पीछे आपको ये एक दरख्त भी नजर आ रहा है वैसे साहब, ये जो महल में जो बात हो रही है वो हाँ इस लोकेशन पे हो रही है, आप यहाँ पे मूव हो प्लीज सर। अब ये जो सर बस यहीं रोक दें ओके 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 थोड़ा आगे चले गए, थोड़ा बैक करेंगे जूम आउट कर बस यहाँ। अच्छा अब सर ये जो दरख्त आपको नजर आ रहा है वहां कर्सर अगर हम पकड़ लें थोड़ा, ये बिल्कुल कर्सर जहाँ है हाँ जी ये दरख्त है बड़ा जी एग्जैक्टली ये दरख्त, इस दरख्त के पास से हम रास्ता बनाएंगे ये जो आपके स्टोन पिच्ड रास्ता नहीं होता अच्छा। ऐसे हम रास्ता बनाएंगे और ये रास्ता ऐसे नीचे से उतरेगा अच्छा, ये जो ऑलरेडी ये जो नीचे केले के पत्ते नजर आ रहे हैं आ रही है हाँ, लेकिन हम इधर से नीचे जाएंगे यानी नीचे जो केले के पत्ते नजर आ रहे हैं हम इस तरफ आएंगे। ओके बिल्कुल ठीक है, तो अब उस तरफ चलते हैं जरा उस रास्ते पे थोड़ा सा। जी सर ठीक है सर, इधर से हम नीचे, अब ये चैनल आ गई, अब ये जो चैनल जा रही है ना सर जी 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 इस चैनल के नीचे से ये रास्ता जाएगा तो थोड़ा सा और इस चैनल को हाँ अच्छा, अब ये चैनल जब नीचे चैनल कवर हो जाएगा यहाँ पे नहीं सर, चैनल के नीचे से हम आ रहे हैं, ये चैनल इस वक्त ऊपर से जा एलिवेटेड चैनल है ये, इसके नीचे से स्ट्रीम ये वैली जो है कॉजवे की तरह बना हुआ है हाँ, ये बिल्कुल कॉजवे एक ब्रिज की तरह बना हुआ है ओवरहेड ठीक है, दिस इज ओवरहेड चैनल बिल्कुल ठीक। इस चैनल के नीचे से ये रस तो ये जो हमारा शेड है ये पेशेंट्स के लिए है, इधर से हम ये रास्ता लेके इसके नीचे से होते हुए जब और नीचे आएंगे तो मैं वहां आपको लोकेशन दूंगा जहां हमने वॉशरूम्स बनाए। ओके ओके फर्दर नीचे तो फर्दर नीचे और नीचे। अच्छा अब हमारी जो पहले लोकेशन थी वैसा यहाँ पे दूसरे पॉइंट क्लाउड की फाइल है मेरे, वो अभी लोड नहीं हुई तो वो आइडेंटिफाई करके लोड करेंगे। मैं डाल दूँ इसको एक मिनट मैं आपको उसका आईडी बताता हूँ।
नहीं हमारे तो मेरे ख्याल में सर्वे में वो इस एरिया 105 फाइल है। 105 तो आपने लोड किए मेरे ख्याल में। सर्वे में मेरे ख्याल में ये लोग इधर से ऊपर इधर के वैसे कवर हुआ होगा सर ये। हाँ है मिला लेकिन मेरे पास जो असल में सॉफ्टवेयर है उसमें मैंने फास्ट करने के लिए कुछ मिसिंग किए हैं मतलब रिड्यूस किए पॉइंट्स तो मेरे पास टेस्ट है मुझे नजर नहीं आ रहा था उस वजह से। हाँ ठीक है 1.5 ये जो इस वक्त हमें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं वो जो तब के स्कैंड हैं वो नजर आ रहे हैं या ये जो अभी आजकल अभी जब नजर आ रहा होगा? नहीं सर वो ये वही पुराना स्कैन है ये उस पे मैं आपको दिखा दूंगा गूगल मैप के ऊपर भी ये पॉइंट क्लाउड डाल के दिखा दूंगा। तो जो गूगल मैप अपडेट होता है वो इसमें पॉइंट क्लाउड में नजर आएगा कि ये पुराना ये था और अब अपडेटेड गूगल मैप पे नजर आएगा कि यहां पे ये चीज हो चुकी है। ठीक है सर मैं सर उस लिंक पे भी काम कर रहा हूँ जो ऑनलाइन आपको दिखाने के लिए है कि आप खुद भी देख सकें खुद भी स्क्रॉल कर सकें काम जारी है उस पे। राइट सर राइट सर एक चीज पूछनी थी। जी सर के अगला कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस किस्म का आप करवाने में सोच रहे हैं कि यहाँ कादरनगर में एक चश्मा है ऊपर चश्मों को ट्रैक किया जाए उससे जो है इधर का वाटर सप्लाई का सिस्टम डिजाइन किया जाए ईपा नेट पे वो डिजाइन किया जाए ऑटोडेस्क 3D पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेलिंग की जाए और कॉस्टिंग वॉस्टिंग करके ये प्रोजेक्ट बना के हमें दिया जाए ताकि फिर हम अपना वाटर सप्लाई भी सिस्टम अपग्रेड। तो आपने सोर्स इन्वेस्टिगेट तो नहीं करना ना मतलब अंडरग्राउंड जो चश्मे का सोर्स है उसको तो स्टडी नहीं करना सिर्फ जो नहीं अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं। हाँ जो वो आइडेंटिफाई करके वहां से हमने अपना पूरे एरिया को पानी सप्लाई किया ये काम। अच्छा ठीक है मतलब वही ठीक है समझ गया मैं ठीक है तो उसकी तो एक साल का डेटा कलेक्शन तो करनी पड़ेगी तो किसी ग्रुप को अभी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि बाय द टाइम वो नेक्स्ट ईयर उसको स्टार्ट करें तो उनके पास पेरिनियल एक साल का डेटा हो एनुअल डेटा हो। तो डेटा कलेक्शन हमारे पास यहां पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा हुआ है साल का डेटा वो भी दे देगा। हाँ लेकिन जो हमें फ्लोस चाहिए उसके लिए हमें हेड चाहिए होंगे। सही है बिल्कुल सही जी वो भी मीटर लगा सकते हैं उसके लिए भी ठीक है। अच्छा सर ये डिस्कशन तो यहाँ से वो आप वॉशरूम की साइट अभी नीचे बताना चाह रहे थे यहाँ जूम करें बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे हाँ ये और जूम कीजिए सर आप इस लोकेशन पे कह रहे हैं। जी सर मैं इसी जगह पे कह रहा हूँ यहाँ पे ये जो चैनल ये जो इस वक्त आपके पास तस्वीर में जो चैनल का एक्सट्रीम एंड है जी लेफ्ट जी ये कर्सर को आप बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाइए। हाँ यहाँ सर नीचे अगर आप देखें तो यानी ये जो ऊपर पहाड़ से जो ये वैली ड्रेन करती हुई चैनल के नीचे से आ रही है
तो इस वैली वाली जगह पे हम रास्ता निकाल के ले जाएंगे और रास्ते के उस तरफ जो ये दरख्त नजर आ रहा है, इस दरख्त के पास बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जी। इन बोल्डर्स के बीच में एक जगह है, यानी वेस्ट ईस्ट वेस्ट बोल्डर्स पड़े हुए, बीच में खुद प्लेन जगह मिलती है। इन बोल्डर्स के बीच में जाके अगर हम ये वॉशरूम्स प्लेस कर दें कि जिसमें 6 वॉशरूम। अच्छा, इससे नीचे से हाथ धोने की वॉश फैसिलिटी पूरी होगी और वुजू की अलग फैसिलिटी होगी। अच्छा। तो ये सारा हमने बनाना है। ठीक है। और क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ऊपर से ये चैनल गुजर रही है, तो हम इस चैनल से पानी लेके और इसका ओवरहेड वाटर टैंक बना के उसमें स्टोर करने में। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब वाटर टैंक भी इसका हिस्सा होगा, होना चाहिए मेरे ख्याल। ठीक है सर। क्या नाम है इसको? आप 6 वॉशरूम्स, वॉशरूम एवोल्यूशन प्लस एवोल्यूशन साइन। उतरते हुए इस जगह की व्हाट्सएप पे इमेजेस लेके आपको मैं भी यहाँ पे अभी आई एम सॉरी फॉर टुडे, आज ये इसमें से पॉइंट्स दिखाए हमने आपको, ऑलरेडी स्कैन इमेजेस हैं हमारे पास इसमें, तो नेक्स्ट एक मीटिंग करेंगे उसमें उसको जब ये इमेजेस इंडेक्स हो जाए तो आपको वो दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो उसमें फिर प्रपोज्ड जो भी हमारा प्लान होगा वो भी आपको दिखा देंगे। राइट सर, ठीक है। और अगर रिक्वेस्ट करनी पड़ी तो आपसे पूछ लेंगे कि काइंडली कुछ फोटोग्राफ्स भी भेज दें इस लोकेशन की जहाँ पे हमें। आई विल मेक पॉइंट, अभी मैं जाके अभी वो उतरते हुए मेरे रास्ते में आते हैं, मैं ये बहुत कोशिश करूंगा कि एक ठीक पोजीशंस आपको मिले। फाइन सर, फाइन। तो अभी सर मीटिंग कंक्लूड करें। अरे सर, आपने जाना है बिल्कुल जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अवैस, बहुत शुक्रिया। अल्लाह दोनों को बहुत खुश रखे, ईमान में रखे। इरफान साहब, एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, ये अगर आपकी इजाजत हो ये पब्लिकली शेयर कर सकते हैं ये हमारी मीटिंग? हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें ऑडियो भी रखें कि ऑडियो को म्यूट करके बैकग्राउंड साउंड लगा दें? नहीं, आप इसमें ऑडियो रखना चाहें रखें, इट्स अ प्रोफेशनल मीटिंग सर। हम वी आर बेसिकली हम एक चीज की वो रख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये अगर पहली दफा हो रहा है तो इट्स नॉवल, वी शुड बी शेयरिंग दिस। इंडीड सर, थैंक यू बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर परमिशन सर एज वेल। इंशाल्लाह अगली मीटिंग हम नेक्स्ट वीक करते हैं, इसके ऊपर काम करके आपको डेटा दिखा दें इंशाल्लाह। राइट सर, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you. Bless.